इमामी है, उसी की पाक जात ज़ाते अक़दस मालूमे मुक़द्दस हयाते अबिल ख़ुसूस आज की इबादत इन्होंने इस जमीन के ऊपर खुदा की खिदमत की। 90 की दहाई तक और बानवे साल जब इनके उम्र थी उस वक्त भी ये चर्च में सरमा दे रहे थे। एक बात जो है वो मसीहत में ये बड़ी समझने वाली है, निजात मुफ्त है मगर अजर कमाया जाता है। दुनिया मुफ्त के पीछे, निजात मुफ्त, निजात मुफ्त उसके पीछे जो है वो चलती रहती है, अजर के लिए काम नहीं करती। अजर के हमारा ताज छोटा है या हमारा ताज बड़ा है, इख्तियार कम है या इख्तियार ज्यादा है, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। जब वो जो है वो खिदमत करते, खिदमत में थे तो मैं उनके साथ था, सेमिनरी में थे तो मैं उनके साथ था, किताबें लिख रहे थे तो मैं उनके साथ था, और उनके साथ साथ मैंने जो है वो अब तक मैं उनके जो है वो साथ रहा, और मैंने जो बात सीखी है वो ये सीखी है कि जो खिदमत का अजर है वो उन तमाम से बड़ा है। खादमों का अजर वो जो दूसरे जो काम हैं उनसे बढ़कर इनको हासिल होता। खादमों के दुख के दुख, खादमों की मुसीबतें और वो सब तकलीफें जो खादम बर्दाश्त करता और उसके साथ जो उसका घराना बर्दाश्त करता है, खादम सीधा सीधा शैतान के सामने जो है वो खड़ा होता है और वो जो वो उसके साथ जंग करता है, और जब वो जंग कर रहा होता है तो अबलीस क्या कर रहा होता है, जहाँ जहाँ पर उसको जो है वो कमज़ोर पहलू जो है उसके घराने में नजर आ जाए वहाँ पे हमला करेगा, उसकी ज़िंदगी में नजर आ जाए वहाँ पे हमला करेगा। किसी ना किसी तरीके से शैतान जो है वो क्या करता है, हमेशा खादम की मुखालफत में खड़ा होता है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और यीशु ने ये कहा कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं को चुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब। आसमानों पर एक बड़ी खुशी, बड़े शादियाने, बड़े नारे वो बुलंद होते हैं जब एक खादम आसमान में दाखिल होता है, उस वक्त उसका रुतबा उसका मकाम वो है कि जिस तरह से एक बादशाह फतूहात करता हुआ अबलीस को तबाह करके वो आराम में दाखिल होता है, इसी तरीके से उसके लिए शादियाने जो है वो बजाए जाते हैं। वो कहता है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, वो कहते हैं मैं उसे पोशीदा मन में से खाने को दूंगा, मैं उसे सफेद
और उसके पाने वाले जैसे को कोई दूसरा ना जानेगा। मैं जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरी कब्र पक्की ना मना, मेरे जिस्म के साथ क्या कर रहे हो मेरे को आसमानी बाप के पास ना जाना बल्कि इनके पीछे जाना जो चीज़ें आसमान की। और आखिर मैं ये कहूँगा कि अच्छी कुश्ती लड़ी है, दुख बड़े से थोड़े ही से बहुत कुछ सहे, अपनों से गैरों से कलीसिया से दूसरों से तीसरों से। जब पूछा गया ना ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं तो लिखा है ये वो हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए। मेरा बाप वहाँ पे गया जहां पे सोने की सड़कें हैं, जहां पे मोतियों के दरवाजे हैं, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे की तजल्ली के सबब से नूर ही नूर है। इत्मीनान ही इत्मीनान है, तसल्ली है वहां पे, वहां पे हर तरीके का आराम है। जरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जब खिदमत मुकम्मल हुई, उनका घर आसमान पर बन गया, उनकी कुर्सी आरास्ता हो गई, तूने बुला लिया, आए बनी आदम लौट आ, आए मेरे खादम लौट आ। हमारे दर्द दुख से भरे हैं लेकिन शुक्र गुजारे खुशी भी है कि हजारों फरिश्तों ने तेरे खादम का इस्तकबाल किया, नरसिंगे बजाए गए, जमीन से आसमान की तरफ एक गहरेदार खादम आ रहा है। हमारा ईमान है खुदावन कि वो उस जगह पर मौजूद है, उन हवेलियों में जो तूने हमारे लिए तैयार की है। खुदावन जमीन पर रहते हुए उनके हाथ से बने हुए खादिम खुदावन खुदा हमेशा तेरे साथ आगे बढ़ते हैं। चल लम्हात के बाद जब हम उन्हें जमीन बोझ करते हैं इस ईमान के साथ कि नरसिंदा फूका जाएगा और हवा में उड़कर हम तेरा इस्तकबाल करेंगे, मेरान और तसल्ली दे, और वो तसल्ली जो दुनिया दे नहीं सकती, हर लम्हा तेरी तसल्ली का हाथ हमारे साथ है। रहम कर हमारी सुन खुदा बाप खुदा बेटे खुदा बाप उनके नाम से, जिसने सिखाया आए खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा पातरू आपकी मेहरबानी और आपकी सहायता करें। जितने भी कानून यहाँ पर मौजूद हैं वो जरूर जो है वो देखिए विशेष साहब हो, और इसके साथ साथ मैं खुदा नाम पूरी मेरे घर पर बात हो गए चलते जाए चलते जाए।
मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। पाप पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुक्मा। और बात करें उस इंतजाम को कुमारी कहते हैं जो तुमने बनी हुई इंसान के लिए मुकर, क्या तुमने जमीन की मट्टी से आदम को बनाया और उसके नथरों में जिंदगी का दम था और आदम जिंदगी का दम था, फिर तुमने उसके लिए कहा तुम खाक है और खाक फिर लौट जाए। बाप हम इस ईमान के साथ इस बदन को मट्टी को मट्टी और खाक को खाक के सपुर्द करते हैं कि तेरा बेटा यूसुफ की जिंदगी का मालिक है, वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। और जब तेरा बेटा यूसुफ हमें लेने के लिए आएगा, पहले तो वो जो मसीह में हुए जी तेरा खादम पहले हमसे जी उठेगा, हमारे ये जलाली बदन के साथ तेरे बेटे यीशु का इस्तकबाल करेगा। यीशु जी तेरी दया है बड़ी, प्रेम 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 है मेरे मन में, आज मैंने तुझको देखा मैंने ये जान मैंने तुझको देखा है। हालेलुया 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 मैंने तुझको देखा है।